हम आज बात करने वाले हैं अटैच की, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अटैच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अटैच करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैश का होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैंने बॉक्स लिया है कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने बॉक्स को क्रिएट किया और उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे स्फीयर, फाइन, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, दोनों सिलेक्ट तो हो गए, बट मैंने सेपरेटली मूव कर सकता हूँ, फाइन। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पॉलीगन एक हो जाए, तो इसके लिए मुझे इसको भी एडिट पॉली करना पड़ेगा, फाइन, और इसको भी एडिट पॉली करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जैसे मैं आया यहाँ पे और इसके बाद एडिट ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे अटैच का ऑप्शन है, ठीक है, कि आपको आपको कौन सी मैश स्फीयर के साथ अटैच करनी है। मैंने अटैच पे क्लिक किया और आप फिर आप किसी भी मैश पर लेकर आएंगे तो प्लस का आइकन आ जाएगा बना हुआ कि आपको ये ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच करना है, फाइन। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक हो चुके हैं, फाइन। अब मैं मूव करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों का एडिट पॉली आ रहा है, ठीक है, यानी ये दोनों अब एक ही पॉली बन चुके हैं। और जैसे अब मैं दोनों का मूव करूंगा तो दोनों मूव होंगे, लेकिन इसका जो पिवट पॉइंट है वो यहाँ पर है ना। जैसे अगर मैं वर्टिसेस को सिलेक्ट करूंगा, फाइन, तो मैंने वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और इसको भी, ठीक है, मैं सेपरेट वर्टिसेस को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन दोनों एक ही मैश है। इसके साथ जैसे अभी अटैच मैं दूसरी, जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया यहाँ पे, मैंने सिलेंडर को क्रिएट किया, फाइन, और उसके पास मैंने टोरस को लिया, ठीक है, टोरस को लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये W। अब देखिए इसका जो एडिट पॉली है वो टोरस है, ठीक है, मैंने एडिट पॉली किया इसे कन्वर्ट टू एडिट पॉली, फिर सिलेंडर पे आया और मैंने इसको भी एडिट पॉली किया, ठीक है। एडिट पॉली करने के बाद ही जितने भी ऑप्शन है वो सब विजिबल हो जाते हैं। और मैं सिलेंडर पे आया, यहाँ पे सिलेंडर पे आने के बाद यहाँ पे एडिट ज्योमेट्री के अंदर अटैच है, मैंने अटैच पे क्लिक किया और जिस मैश को मुझे अटैच करना है इसके साथ टोरस पे, उस पर क्लिक कर दिया, फाइन। अब दोनों एक ही मैश बन चुके हैं, एक पॉली, फाइन। तो जो मैक्स में अटैच ऐसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।